मित्रों नमस्कार, चंद्रा इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं सीपी सर। आज हम बीईओ जो खंड शिक्षा अधिकारी की एक नई पोस्ट आई है जिसके लिए हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं और आपको बेहतर से बेहतर चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं, उसी खंड में हम आज आपको मॉडर्न हिस्ट्री का एक डेमो वीडियो देंगे। लेकिन डेमो वीडियो देने से पहले क्या पढ़ना है या क्या हिस्ट्री का सिलेबस है वो थोड़ा सा हम आपको देना चाहते हैं। तो क्या हिस्ट्री में हमको पढ़ना है, कहाँ किस पोर्शन से कितने प्रश्न आते हैं, ये थोड़ा देखते हुए एक डेमो वीडियो और एक नए तरीके से आपको इतिहास पढ़ने को मिलेगा या देखने को मिलेगा। अभी आपने इतिहास को साहित्य की तरह पढ़ा होगा, हम इतिहास को ज्योग्राफिकल पढ़ाते हैं यानी मानचित्रों के द्वारा इतिहास को समझाने की कोशिश करते हैं, जो कि एक अलग प्रयास है ताकि आप बेहतर कर सकें, बेहतर समझ सकें और इतिहास को केवल रटने की चीज़ नहीं बल्कि समझने की चीज़ को की दृष्टि से समझें। तो चलिए बिना देर किए हम शुरुआत करते हैं कि हमको इतिहास में पढ़ना क्या क्या है, क्या क्या सिलेबस है, कहाँ से कितने परसेंट क्वेश्चन आते हैं और उन क्वेश्चनों का स्तर क्या कैसा रहेगा। तो शुरुआत करते हैं हम इस खंड के द्वारा कि कहाँ पर क्या हमको पढ़ना है। तो जैसा कि आपने देखा होगा कि सिलेबस में एक शब्द ही लिखा है, भारतीय इतिहास, लेकिन इस शब्द के अंतर्गत कई चीज़ें हैं। इतिहास को अमूमन आप सब पढ़े होंगे, जानते भी होंगे, हम इतिहास को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। भारतीय इतिहास को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, ये तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पाषाण काल से लेकर राजपूत काल तक का जो समय है, यानी पाषाण काल से ईसा पूर्व 2000 शताब्दी के पहले से लेकर के और 12वीं शताब्दी के बीच का जो समय है, उसको हम प्राचीन इतिहास के अंतर्गत पढ़ते हैं। प्राचीन इतिहास के अंतर्गत हमको कौन कौन से पार्ट पढ़ने हैं ये थोड़ा हमको ध्यान में रखना है। जैसे प्राचीन इतिहास में हमको पाषाण काल पढ़ना है, पाषाण काल में भी तीन पाषाण काल हैं, आप पढ़े होंगे प्राचीन पूर्व पाषाण काल, मध्यकाल पाषाण काल और नवपाषाण काल। तो उस पाषाण काल में हम पूरा अंदर जब पाषाण काल वाला हम चैप्टर देखेंगे तो इसके अंतर्गत इसका जो टोटल तीनों पार्ट हैं उसको भी देखेंगे। फिर हम ताम्र पाषाण काल में देखेंगे, यानी जब आदमी ने या मानव ने पाषाण यानी पत्थर के साथ साथ तांबे की धातुओं का उपयोग करना शुरू किया और तब कौन सी संस्कृति विकसित हुई, उसको हम इस काल में देखेंगे, ताम्र पाषाण काल में। ताम्रपाषाण के काल के बाद कांस्य युगीन सभ्यता आती है, जिसमें बेसिकली सिंधु घाटी की सभ्यता है। सिंधु घाटी की सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता कही जाती है क्योंकि तब कांसे का प्रयोग किया जाने लगा था। इसके बाद हम वैदिक काल को देखेंगे, वैदिक काल को भी हम दो पार्ट में देखेंगे, उत्तर पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर धार्मिक आंदोलन, जो सामाजिक धार्मिक आंदोलन हुए उसको देखेंगे, इसमें हम विशेष रूप से जैन धर्म, बौद्ध धर्म और तत्कालीन उस समय जो धार्मिक आंदोलन हुए थे उसको देखेंगे। फिर मौर्य काल समझेंगे क्योंकि मौर्य काल से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मौर्य काल को देखेंगे। फिर मौर्य के बाद शुंग काल, कण्व वंश, सातवाहन वंश, फिर दक्षिण भारत का जो इतिहास है जिसमें विशेष रूप से हम चोल चालुक्य राष्ट्रकूट ये सब जो दक्षिण भारत के राज्य रहे हैं उनकी को देखेंगे। फिर उत्तर भारत में पुनः आएंगे और हर्ष का जो शासनकाल था उसके टाइम को देखेंगे और उस समय तत्कालीन भारत में जो राजवंश थे उनकी स्थिति को देखेंगे। फिर हम राजपूत काल को समझेंगे, राजपूत काल में क्या क्या स्थितियाँ थीं। इतनी सारी चीज़ें हम देखेंगे प्राचीन इतिहास में, इतनी सारी चीज़ें हमको पढ़नी है। इसके बाद हम मध्यकालीन इतिहास में क्या क्या देखेंगे, तराई के युद्ध के बाद से विशेष रूप से मुस्लिम शासन यहाँ शुरू हो जाता है और उसके पहले की कौन कौन से मुस्लिम आक्रमणकारियों का आगमन हुआ, सबसे पहले कौन सा मुस्लिम आक्रमणकारी यहाँ आया उसको देखते हुए, इसके बाद मुस्लिम आक्रमणकारियों के आगमन को लेकर और फिर दिल्ली सल्तनत की जब स्थिति एकदम तैयार हो जाती है, यानी 1206 ईस्वी तक से जब दिल्ली सल्तनत शुरू हो जाता है, फिर पूरा दिल्ली सल्तनत हम देखेंगे। दिल्ली सल्तनत के बाद फिर जब मुगल काल आता है, यानी कि 1526 में जब पानीपत की का प्रथम युद्ध होता है और बाबर विजयी हो जाता है, तब भारत में एक नया राजवंश शासन करता है और होता है मुगल वंश। तो पूरा मुगल काल देखेंगे, अब मुगल काल में जितने राजा हुए उनकी क्या स्थितियां थी, क्या प्रशासन था, कौन क्या था, पूरा मुगल काल हम इसमें देखेंगे। फिर हमारा आधुनिक भारत का पार्ट आता है, आधुनिक भारत में हम क्या क्या पढ़ते हैं, आधुनिक भारत में हम यूरोपीय कंपनियों का आगमन देखेंगे कि यूरोपीय कंपनियां कौन कौन सी यूरोपीय कंपनियों का आगमन हुआ, तत्कालीन स्थिति उस समय भारत की क्या थी इसको भी देखेंगे, यूरोपीय कंपनियों में आपस में जब व्यापार को लेकर संघर्ष हुआ
और उनका भारतीय राजनीति में हस्तक्षेप शुरू हुआ, तो यह देखेंगे कि कौन कौन सी कंपनियों में आपस में संघर्ष हुआ और भारतीय राजनीति में वो हस्तक्षेप करें तो कौन कौन से युद्ध उस समय हुए, इस टॉपिक में देखेंगे। फिर अंतिम रूप से जब अंग्रेज उस आपस के संघर्ष में अंतिम रूप से जब अंग्रेज विजयी हो जाते हैं तो भारत पर अंग्रेजों का शासन एक तरीके से शुरू हो जाता है, तो अंग्रेजी सत्ता के अधीन पूरा शासन हम देखेंगे। और इसके बाद 1857 का जो राष्ट्रीय आंदोलन जब शुरू होता है तो इसी में मॉडर्न हिस्ट्री में ही हम 1857 का जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संघर्ष था वहां से लेकर पूरा जब तक भारत आजाद होता है यानी 1547 तक का दोनों राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष और अंग्रेजों का शासन, इसको हम सम्मिलित रूप से राष्ट्रीय आंदोलन में ही पढ़ेंगे। इतना सारा टॉपिक है आपके इतिहास में आपको पढ़ने के लिए, इतनी चीजें पढ़ेंगे तब आपका जो एक लाइन का भारतीय इतिहास शब्द लिखा हुआ है तब आपका भारतीय इतिहास का सिलेबस कंप्लीट होगा। अब हमको अपने हिसाब से पढ़ना है, ऐसा नहीं है कि एकदम से शुरुआत किए लास्ट तक पढ़ते चले गए। अब हम थोड़ा यह देखेंगे कि प्रकृति कैसे, किन किन पार्ट से, कैसी प्रकृति से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यह अनुमान किए या यह अनुभव मेरा है, या आप भी जानते होंगे, पेपर वगैरह देखते होंगे, पढ़ते होंगे, तो देखते हैं कि अधिकांश क्वेश्चन हमारे आधुनिक भारत से हैं। यदि हम उनको पूरे इतिहास के प्रश्नों को, यदि हम 10 साल का पेपर ले लें और पूरे इतिहास के प्रश्नों को अलग कर दें और उन प्रश्नों को यदि हम एक मानक मान लें कि इनको हम 100% मान लेते हैं, जितने क्वेश्चन आए हुए हैं उनको यदि हम 100% मान लें, इतिहास के सारे क्वेश्चन को 10 साल को, विगत 10 साल के पेपर रख लें और जितने इतिहास के क्वेश्चन आए हुए हैं उनको अलग कर लें और उसको हम एक मानक मान लें कि ये सारे 100% हैं, तो उस 100 क्वेश्चन में से 60% जो क्वेश्चन हैं वो आधुनिक भारत या राष्ट्रीय आंदोलन से आए हुए हैं, आधुनिक भारत या राष्ट्रीय आंदोलन से आए हुए हैं। 25% क्वेश्चन मध्यकालीन भारत से आए हुए हैं, ठीक, 25% क्वेश्चन कहां से आए हैं, मध्यकालीन भारत से। शेष 15% क्वेश्चन जो है वह प्राचीन भारत से आए हुए हैं। और हम की हमारी तैयारी ऐसा नहीं है कि हमको जो चाहे वो पढ़े, सही रणनीति के साथ तैयारी होनी चाहिए। तो सही रणनीति क्या है, हमको सबसे पहले क्या चीजें पढ़नी चाहिए, हमें वो चीजें पढ़नी होगी जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं। इससे क्या होगा, हम कम भी पढ़े रहेंगे तब भी ज्यादा कर सकते हैं। अब पता चला हम शुरुआत किए प्राचीन काल से और पूरा पढ़ डाले, और मान लीजिए सपोज दैट हमारी कोई स्थिति ऐसी आ गई, हमारी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, हम बीमार हो गए, ये कल्पना मैं कर रहा हूं, ऐसा नहीं है आपके साथ ऐसा है, और मान लीजिए किसी कारण से आप डिस्टर्बेंस हो गए, नहीं पढ़ पाए, तो इतना पढ़ने के बावजूद आप 15% क्वेश्चन ही कर पाएंगे, लेकिन वो टाइम आप इसमें खर्च किए होते तो आप मैक्सिमम क्वेश्चन कर लेते, कम से कम आधे क्वेश्चन तो इतिहास के कर ही लेते। इसलिए हमको रणनीति के साथ तैयारी करनी है। इसीलिए जब मैं इतिहास पढ़ाता हूँ तो इतिहास को केवल साहित्य की तरह नहीं पढ़ाता, बल्कि मैं ज्योग्राफिकल हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, यानी इतिहास मानचित्र के अनुसार पढ़ाता हूँ, ताकि बच्चे में न सिर्फ रटना, इतिहास को अक्सर ये लोग समझते हैं इसको रटना है, समझना तो कुछ है ही नहीं है, बिल्कुल गलत है। इतिहास आप मानचित्र के अनुसार समझें, यानी भौगोलिक इतिहास समझें, तो निश्चित रूप से आपको रटने की नहीं समझने की जरूरत है। और हमने बताया था कि अब क्वेश्चन कंसेप्चुअल आ रहे हैं, अवधारणात्मक आ रहे हैं, संप्रत्यात्मक क्वेश्चन आ रहे हैं, तो इसके लिए हमको रटने की नहीं समझने की जरूरत है। तो हमारा सबसे पहला जो भाग होगा वो हम आधुनिक भारत से शुरू करेंगे। आधुनिक भारत से हमारे 60% क्वेश्चन आते हैं, जिसमें आधुनिक इतिहास भी होगा, आधुनिक भारत का इतिहास भी होगा, उसी में राष्ट्रीय आंदोलन भी होगा, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन भी एक तरीके से इसी का पार्ट मान लिया जाता है, हालांकि वो आपको अलग से टॉपिक दिया हुआ है राष्ट्रीय आंदोलन। तो स्वतंत्रता संघर्ष 1857 के बाद से जो स्वतंत्रता के लिए संघर्ष हुए और प्लस अंग्रेजों का जो शासन रहा, समय के साथ उनकी जो प्रतिक्रिया रही, दोनों को हम मिलाकर पढ़ेंगे तो हमारा आधुनिक भारत और राष्ट्रीय आंदोलन पूरा कंप्लीट होगा। तो शुरुआत हम करेंगे इस डेमो वीडियो में आधुनिक भारत से ही। आधुनिक भारत का एक डेमो हम देंगे आपको और उम्मीद करूंगा कि आपको बहुत पसंद आएगा, और यह ऐसा आपको पहली बार पढ़ने को मिलेगा शायद, संभवतः। इसके बाद हम मध्यकालीन से कवर करेंगे, ताकि हमारे यदि दो टॉपिक भी हमारे कंप्लीट हो गए तो हम कितने क्वेश्चन कर सकतेंगे, 85% क्वेश्चन हम यहीं से कर पाएंगे। फिर हम प्राचीन इतिहास से शुरू करेंगे और प्राचीन इतिहास को हम जब कंप्लीट कर लेंगे, हमारा पूरा इतिहास जो पूरा है, इसमें हमारा भारतीय प्राचीन इतिहास और राष्ट्रीय आंदोलन जो दो टॉपिक दिए हुए हैं, ये दोनों टॉपिक हमारे क्या हो जाएंगे, कवर हो जाएंगे। तो ये हमको हमारा ये सिलेबस है, इस सिलेबस के अनुसार हमको तैयारी करनी है और एक अच्छी रणनीति के साथ तैयारी करनी है। तो अच्छी रणनीति में ही हम पहला टॉपिक जो पढ़ेंगे, सबसे पहले हमको क्या पढ़ना है, हमको आधुनिक भारत पढ़ना है। दूसरा मैं आपको बता दूं कि
कि मैं मेरा जो बेस होगा इतिहास को पढ़ाने का वो एनसीईआरटी होगा, मैं एनसीईआरटी बेस ही पढ़ाऊंगा। चूंकि एनसीईआरटी में फैक्ट थोड़ा कम है तो दोनों को, चूंकि फैक्ट कम है इसलिए मैं फैक्ट बढ़ाते जाऊंगा और उसका बेस एनसीईआरटी का होगा। एनसीईआरटी बेस पर ही मैं आपको अलग से फैक्ट देता जाऊंगा, क्योंकि एनसीईआरटी में फैक्ट कम है और फैक्ट मैं देता जाऊंगा तो आपको लगेगा कि हमारा बेस भी तैयार हो रहा है और हमारा उससे अधिक भी जो होना चाहिए वो तैयारी हो रही है। तो दोनों को का कॉम्बिनेशन बनाकर मैं इस इतिहास वाले पोर्शन को शुरू करूंगा। तो इस डेमो वीडियो में मैं आज आधुनिक भारत का एक डेमो मैं दे रहा हूं, लेकिन इस टॉपिक में जो आप लिखे हुए यूरोपीय कंपनियों का आगमन, ये पहला टॉपिक है। इस टॉपिक को नहीं बल्कि इस टॉपिक के आने की क्या स्थिति थी उसकी चर्चा इस डेमो वीडियो में करूंगा, और तभी आप इसको समझ पाएंगे कि कौन सी परिस्थितियां थी जिसके कारण जो है यूरोपीय कंपनियों का भारत की ओर आगमन हुआ। तो यूरोपीय कंपनियां क्यों भारत में आई, इस वीडियो के माध्यम से हम यह चीज बताने की कोशिश करेंगे कि क्यों यूरोपीय कंपनियां विवश होकर भारत में आई। तो थोड़ा सा उस समय यूरोपीय कंपनियों के आगमन की जो पूर्व स्थिति थी उसको हमको समझना होगा, और समझने के बाद तब हम यह तय करेंगे कि ये कंपनियां क्यों विवश हो गई भारत की ओर आने के लिए, और भारत की ओर जब आई तो उनको क्यों मजबूर होना पड़ा भारत की ओर आने के लिए, या यूरोप की अन्य कंपनियां क्यों आकर्षित हुई भारत की ओर आने के लिए। तो चलिए एक डायग्राम, मैं आपको एक वर्ड डायग्राम यहां रख दिया हूं समझाने के लिए, ताकि आप मेरी उस बात को जो मैं बताना चाहता हूं वो समझ जाएं कि भारतीय कंपनियां क्यों जो है यूरोपीय कंपनियां क्यों भारत की ओर आकर्षित हुई, यानी यूरोपीय कंपनियों के आगमन की क्या पूर्व की स्थिति थी, इस डेमो वीडियो के माध्यम से हम बताने की कोशिश करेंगे। ये हम आपके सामने एक वर्ड मैप रख दिए हैं, जो बच्चे शायद वर्ड मैप पहली बार देख रहे होंगे उनको मैं बता दूं, ये उत्तरी अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका जिसे हम कहते हैं, ये दक्षिणी अमेरिका है, ये अफ्रीका है, ये यूरोप है, और यहाँ से यूराल पर्वत के इधर एशिया है, ये पूरा एशिया है, और इधर ऑस्ट्रेलिया है, इधर हिंद महासागर है, और नीचे कर अंटार्कटिका है, जानते ही आप दक्षिणी ध्रुव पर, और ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है, और इधर भी प्रशांत महासागर है, क्योंकि इस मैप को यदि हम, महासागर, ये मोटा मोटी चीजें आप समझ लीजिएगा, ठीक, बाकी हम समझाने की कोशिश करेंगे। दरअसल हमको भारत की उस यूरोपीय कंपनियों के आगमन के पहले जो भारत की व्यापारिक स्थिति थी उसको थोड़ा समझना होगा कि क्या भारत की व्यापारिक स्थिति थी। क्योंकि भारत आप जानते हैं कि अपने मसालों के लिए दुनिया भर में प्रसिद्ध था, क्योंकि भारत के जो मसाले थे खासतौर से काली मिर्च, जिसे यवन प्रिय भी कहा जाता है, यवन का मतलब यूरोपीय लोगों से है, संस्कृत में काली मिर्च का नाम है यवन प्रिय, इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यह यूरोपियों को सबसे ज़्यादा पसंद था, ठीक। तो हमारा जो मसाले का व्यापार था वह अरबियों के माध्यम से इनडायरेक्ट रूप से यूरोप तक पहुँचता था, उस पर अरब के जो व्यापारी थे उनका एक तरीके से कब्जा था, और यहाँ से काली मिर्च या मसाले वो खरीद कर ले जाते थे और यूरोप के बाजारों में बेचते थे, जिन्हें उन्हें भारी जो है मुनाफा प्राप्त होता था। और आप देखिएगा, हम आपको ले चलेंगे यहाँ से 15वीं शताब्दी में ले चलेंगे, 15वीं शताब्दी में के पहले, हम 15वीं शताब्दी के पहले, चूंकि 15वीं शताब्दी में यानी 1492 ईस्वी में कोलंबस ने अमेरिका की खोज की और यहाँ से एक नई दुनिया शुरू हो जाती है। तो 15वीं शताब्दी के पहले की थोड़ी स्थिति की हम थोड़ा आपको चर्चा करेंगे, इसके बाद हम तब उसके उसी क्रम से आगे बढ़ेंगे। 15वीं शताब्दी के पहले यह माना जाता था कि हमारा जो स्थल खंड है या पूरी पृथ्वी है उसका जो स्थल खंड है वह तीन महादेशों में ही विभाजित है, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, तीन। केवल इसका पता नहीं था, इसका पता नहीं था, अंटार्कटिका का पता नहीं था, सिर्फ इतना ही भाग माना जाता था कि यह भाग स्थल है, बाकी यह माना जाता था कि बाकी पृथ्वी पर जल ही जल है, ठीक। तो यह माना जाता था कि यूरोप, अफ्रीका और एशिया केवल तीन ही महाद्वीप हैं, इसलिए तत्कालीन जो उस समय विद्वान थे उनको तीन ही महादेश ज्ञात थे, यूरोप, एशिया और अफ्रीका, इसलिए इन महादेशों को हम पुरानी दुनिया कहते हैं,
आपने पढ़ा होगा कक्षा 5 में पहले एक पाठ होता था सामाजिक विज्ञान में, नई दुनिया और पुरानी दुनिया। तो पुरानी दुनिया क्या थी? यही पुरानी दुनिया थी जिसमें यूरोप, अफ्रीका और एशिया का ही केवल ज्ञान था, इसे हम पुरानी दुनिया कहते थे। ठीक, तो हम पहले पुरानी दुनिया को समझेंगे, तब हम नई दुनिया की ओर चलेंगे। अब इस पुरानी दुनिया में, ये भूमध्य सागर है, जबकि भूमध्य रेखा यहां है, वहां से काफी उत्तर में है ये, लेकिन इसे भूमध्य सागर क्यों कहा जाता था? क्योंकि यह पुरानी दुनिया के बीच में था, और इस पुरानी दुनिया के स्थल भाग को यानी पृथ्वी को, भू को इतना ही माना जाता था, इसलिए इसके बीचों बीच पड़ता था, इसलिए इसका नाम भूमध्य सागर पड़ा था। क्लियर हो गया? इसे भूमध्य सागर क्यों कहते हैं ये आपको आज पता चला होगा, क्योंकि यह पुरानी दुनिया के मध्य में पड़ता था। यह सागर पुरानी दुनिया के, या पुराना जो स्थलखंड था उसके मध्य में पड़ता था, इस कारण इसे भूमध्य सागर कहा जाता है। ठीक, तो यह पुरानी दुनिया से ही हम शुरुआत करते हैं। उस समय जब भारत का व्यापार था यूरोपियों के माध्यम से, तो उसके तीन रास्ते थे, यानी तीन मार्गों के माध्यम से भारत का यूरोप में व्यापार होता था, और भारतीय व्यापार पर अरब वासियों का पूरा कब्जा था एक तरीके से। ये तीन कौन कौन से मार्ग थे, उन तीनों मार्गों की हम यहां चर्चा करेंगे। पहला मार्ग था स्थल मार्ग। स्थल मार्ग हमारा जो था, यह उत्तर भारत से, देख रहे हैं उत्तर भारत से पाकिस्तान, अफगानिस्तान होते हुए ये मध्य एशिया होते हुए तब यूरोप की तरफ जाता था, ये हमारा पहला मार्ग था। यह पहाड़ी और मरुस्थली भागों से होते हुए यूरोप में जाता था, इस कारण यह मार्ग थोड़ा कठिन था, इस मार्ग से व्यापार कम होता था। क्योंकि रास्ते में बड़े बड़े पहाड़ पड़ते थे, दर्रे पड़ते थे, मरुस्थल पड़ता था, तब जाके कहीं जो है यूरोप पहुंचते थे, इसलिए स्थलीय मार्ग से व्यापार कम होता था। दूसरा हमारा पश्चिमी तट है, ये हमारा भारत का पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट के माध्यम से दो रास्ते थे, यानी दो जलमार्ग जो हमारा था वह दो भागों में विभाजित था। एक फारस की खाड़ी से होते हुए जाता था, और दूसरा लाल सागर होते हुए जाता था। यह फारस की खाड़ी है, यह हमारा पश्चिमी तट है। पश्चिमी तट से फारस की खाड़ी, और फारस की खाड़ी से होते हुए इराक, सीरिया और तुर्की, ये तुर्की है, और यह मारमारा सागर से होते हुए यूरोप जाता था। तो अरब सागर के, यह हमारे पश्चिमी तट से अरब, फारस की खाड़ी तक, यहां तक व्यापार समुद्री माध्यम से होता था, और इसके बाद स्थलीय माध्यम से ये यूरोप की तरफ जाता था। इस पर भी अरब वासियों का कब्जा था, और भारत के जो है मसाले से वो अच्छी मात्रा में लाभ प्राप्त कर रहे थे। क्योंकि भारत के मसाले ही नहीं बल्कि विलास की वस्तुएं, भारत की बहुत ज़्यादा डिमांड थी उनकी यूरोप में, तो मसालों के साथ साथ विलासिता की जो वस्तुएँ थीं भारत की, वो भी यूरोप में तेज़ी से उनकी मांग थी, और वहाँ से तेज़ी से जाती थी। तीसरा जो हमारा रास्ता था वो पश्चिमी तट से लाल सागर तक, यहाँ तक हमारा समुद्री रास्ते से होता था, लाल सागर से होते हुए, और यहाँ से स्थल मार्ग से फिर यहाँ तक होता था भूमध्य सागर तक, और भूमध्य सागर से पुनः यह जाता था। और उस समय यूरोप में, खासतौर से इटली में, दो प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे, एक था वेनिस और दूसरा था जिनेवा। जिनेवा और वेनिस दो यूरोप के महत्वपूर्ण केंद्र थे, यहां से व्यापार के माध्यम से फिर यूरोप में आंतरिक व्यापार होता था। तो इन तीनों मार्गों में, स्थल मार्ग, फारस की खाड़ी वाला मार्ग और लाल सागर, इन तीनों माध्यम मार्गों में फारस की खाड़ी वाला जो मार्ग है यह सबसे ज्यादा सक्रिय मार्ग था, सर्वाधिक सक्रिय मार्ग था, क्योंकि इस माध्यम से व्यापार सबसे अधिक होता था, और अधिकांश व्यापार इसी माध्यम से होता था, इसलिए सबसे ज्यादा महत्ता या महत्वपूर्णता जो है वो है, इंपॉर्टेंसी है, वह इसी मार्ग की थी, फारस की खाड़ी वाले मार्ग की। ये व्यापारिक मार्ग थे, इसको आप इतना समझ गए होंगे। अब देखिएगा 1453 ईस्वी में जब तुर्क धीरे धीरे पश्चिम की ओर बढ़ रहे थे, तो उन्होंने रोमन साम्राज्य पर आक्रमण, ऑटोमन साम्राज्य पर आक्रमण करके कस्तुनतुनिया, ये यूरोप का भाग है जो आज तुर्की जहां बसा हुआ है, कस्तुनतुनिया एक स्थान है जिसे आज कस्तुनतुनिया, जिसे आज इस्तांबुल कहा जाता है, तुर्की की जो यूरोप, चूंकि तुर्की जो है वह एशिया और यूरोप दोनों महादेशों में है, या दोनों महाद्वीपों में है, तो
तो तुर्की की जो यूरोप की राजधानी है वह इस्तांबुल है, और इस्तांबुल का पूर्व नाम कस्तुंतुनिया था, जिस पर ऑटोमन साम्राज्य का शासन था। तुर्कों ने जब ऑटोमन साम्राज्य पर आक्रमण किया तो पूरा जो कस्तुंतुनिया राज्य था उस पर अधिकार कर लिया, यानी जो मेन राज्य था जहां से ये व्यापार होकर जाता था, यूरोप हो जाता था, 1453 ईस्वी पर इस व्यापारिक मार्ग पर कस्तुंतुनिया पर तुर्कों का अधिकार हो गया। जब तुर्कों का यहां अधिकार हो गया तब उन्होंने क्या किया, भारत से होने वाले यूरोप के बीच जो मसाले का व्यापार होता था उसको इन्होंने बंद कर दिया, बंद कर दिया। और तब तक प्लिनी की नेचुरल हिस्टोरिका भी आ चुकी थी, और कई ऐसे यूरोपीय जो विद्वान थे उन्होंने ये बता दिया था कि पृथ्वी गोल है। पृथ्वी क्या है, गोल है। तब तक यह पूरी दुनिया, यूरोप को पता हो चुका था, यूरोपीय जगत में यह ज्ञान हो चुका था कि पूरी पृथ्वी गोल है और पश्चिम की ओर सागर है, क्योंकि अटलांटिक महासागर था। तो हम यदि पश्चिम की ओर चलेंगे तो पश्चिम से चलते चलते एक दिन कहां पहुंच जाएंगे, पूरब में पहुंच जाएंगे, क्योंकि यह तो सबको पता था कि भारत जो है या इंडिया जो है वह पूरब में है। ठीक, तो इस यहां से जब यहां तुर्कों का अधिकार हो गया और उन्होंने भारतीय व्यापार को बंद कर दिया, यूरोप में होने वाले जो मसाले का व्यापार था उसको बंद कर दिया, तब यूरोप में मसाले की पूरी डिमांड बढ़ी, और डिमांड बढ़ने के कारण तत्कालीन जो वहाँ के पुर्तगाली शासक, पुर्तगाल हो गया, स्पेन हो गया, खासतौर से उस समय बड़े राज्यों में या ताकतवर राज्यों में इनकी गणना होती थी, इन लोगों ने समुद्री रास्ते की खोज करनी शुरू कर दी। अब यहाँ समुद्री रास्ते की खोज शुरू हुई कि भारत पहुँचने के लिए, चूंकि यह पता हो चुका था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए जब हम पश्चिम से भी जाएंगे तब भी पूरब में पहुँच जाएंगे, और यूरोप वासियों को यह पता था कि भारत कहाँ है, पूरब में है। अब यहां से समुद्री रास्ते से खोज होने लगी भारत की। जब समुद्री रास्ते से भारत की खोज होने लगी तो वहां पर दो राज्य विशेष रूप से पुर्तगाल और स्पेन, पुर्तगीज राजकुमार हेनरी द नेविगेटर, जो कि खुद चाहता था कि भारत की खोज के लिए वह जो है उसके दिशा निर्देशन में मार्ग जो है काम किया जाए, उसने एक दिशा सूचक यंत्र तैयार करवाया और एक जो है तालिका तैयार करवाई ताकि नाविक जो है वह भारत पहुंच सकें। इसके लिए पुर्तगीज राजकुमार ने कोलंबस के सगे भाई बार्थोलोम्यू डायज को अपनी सेवा में लिया, और 1487 ईस्वी में एक जहाजी बेड़ा तैयार करके उसका कैप्टन बना करके बार्थोलोम्यू डायज को अटलांटिक महासागर में भेजा, भारत के लिए नहीं, अभी सिर्फ यह पता लगाने के लिए कि कहां तक हमको जाना है। बार्थोलोम्यू डायज एक जहाजी बेड़ा लेकर पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन से चला, और यहां पर एक तूफान में फंस गया, और इस तूफान में वह झटके से भूमध्य रेखा पार कर और यहां आ चुका था। यदि वह थोड़ा दूर और पहुंचता तो ब्राजील पहुंच जाता, तब यूरोप, तब अमेरिका की खोज नहीं हुई थी, अमेरिका की खोज के पहले 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज हुई थी, लेकिन ये 1487 की घटना की मैं चर्चा कर रहा हूं। यहां पहुंच जाता, यहां पहुंचा और थोड़ी पश्चिम में और जाता तो ब्राजील पहुंच जाता और एक नए स्थल खंड की खोज कर देता। लेकिन जब तूफान के बाद तूफान यहां शांत हुआ और तब उसे पता चला कि हमको कहां जाना है और हम कहां पहुंचाए, तो उस तूफान को इस दिशा सूचक केंद्र के द्वारा उसे पता चला कि हमको तो पूरब में जाना था, हम ज्यादा पश्चिम में चले आए। अब पूरा जहाजी बेड़ा उसका पूरब की ओर चलना शुरू किया। अब अटलांटिक महासागर में उस समय आप समझिए, कल्पना कीजिए, इंजन नहीं था, हाथ से ही चप्पू चला करके नाव को खेना होता था। अटलांटिक महासागर में नाव खेते खेते सब लोग हताश हो चुके थे, थक चुके थे, जितना रसद पानी था सब खत्म हो चुका था, उस पर रसद पानी में जो चूहे सूहे पड़ गए थे सब खा लिए, कुछ नहीं बचा, अब कैसे हो कि कोई जिंदा कैसे रहे। यह तय किया गया कि जितने लोग हैं उसमें सबसे उम्रदराज व्यक्ति को खा लिया जाए, तो इससे जो सबसे छोटा व्यक्ति होगा वह धरातल पर जरूर पहुंचेगा और इस घटना को बताने के लिए वह साक्षी होगा। ऐसा वो लोग विचार बना ही रहे थे कि वो अफ्रीका के दक्षिणी भाग पर पहुंच चुके थे और एक केप दिखाई दिया। केप होता है, केप क्या होता है इसको थोड़ा समझिएगा तब हम, केप को हिंदी में अंतरीप कहते हैं, किसी महाद्वीप का निकोना वाला भाग जो निकला हुआ सागर की ओर कुछ भाग निकला हुआ होता है उसको हम केप कहते हैं।
ठीक, केप किसी स्थल भाग का सागर की ओर निकला हुआ कोना या टुकड़ा या भाग, ये जो है केप कहलाता है। अफ्रीका में आप ध्यान दीजिएगा तो दक्षिण अफ्रीका में यहाँ एक केप है जिसको हम केप, एक केप है। जैसे ही ये लोग यहाँ पहुंचे उन्हें एक केप दिखाई दिया और उस केप पर बस्ती दिखाई दी, तो पूरा बस्ती देखते ही, मानव की बस्ती देखते ही और मानव को देखते ही पूरा जहाजी बेड़ा खुशी से झूम उठा कि अब किसी को मरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मानव है तो भोजन जरूर मिल जाएगा। पूरा जहाजी बेड़ा खुशी से झूम उठा और उस केप का नाम ही रख दिया गया केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप दक्षिण अफ्रीका का जो सबसे निचला भाग है, आप मानचित्र में देखिएगा लिखा होगा केप ऑफ गुड होप। उसका नाम बर्थोलोम्यू डायज और उसकी टीम ने रखा था क्योंकि वह उनके लिए आशा की एक अंतरीप मिली थी, क्योंकि अब तो ये तय कर चुके थे कि हम लोगों में से कोई जिंदा बचेगा नहीं। केप ऑफ गुड होप की खोज 1487 ईस्वी में जब बर्थोलोम्यू डायज ने की तो यहाँ के बाद वो तुरंत वापस लौटना ही ज़्यादा श्रेयस्कर समझे। अपना रसद पानी उन वहाँ के रहने वाले जो जनजातियाँ थीं उनसे रसद पानी लेकर ये वापस लौट गए, इसी रास्ते से पुर्तगाल वापस लौट गए। अब पुर्तगाल में ने इतनी खोज कर रखी थी समुद्री मार्ग की तो उसका जस्ट प्रतियोगी स्पेन था। स्पेन की महारानी थी इसाबेल फर्डिनेंड। इसाबेल फर्डिनेंड ने एक जहाजी बेड़ा कोलंबस के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा अटलांटिक महासागर की ओर भारत की खोज करने के लिए भेजा। ध्यान दीजिएगा भारत की ही खोज हो रही है और वो जहाजी बेड़ा स्पेन की राजधानी मैड्रिड से चलकर, ये यहां से चलकर और पश्चिमी अटलांटिक महासागर में पश्चिम की ओर खेता हुआ ये जो वेस्ट इंडीज के द्वीप हैं इन द्वीपों पर पहुंचा। जब इन द्वीपों पर वह पहुंचा तब पता चला कि इंडिया मिल गया है। उनको तो यही था कि पूर्व में जाएंगे तो इंडिया ही है, तो इन द्वीपों का नाम ही वेस्ट इंडीज पड़ गया। आप पढ़ते तो होंगे इन द्वीपों को हम वेस्ट इंडीज कहते हैं, तो क्यों इंडीज कहते हैं? क्योंकि यह पश्चिम से खोजे गए इंडियन द्वीप थे। वो उस समय के जमाने में यही माना जाता था यह इंडिया है और यह पश्चिम से खोजा गया इंडिया है, इसलिए इसका नाम पड़ गया वेस्ट इंडीज। और यहाँ पर जो है कई द्वीपों पर नगर बसाकर, शहर बसाकर जो है ये वापस लौट गए। यहाँ से वापस लौट गए, महारानी ने पूछा, उन्होंने कहा कि जो है हमने इंडिया की खोज कर ली है। महारानी ने पूछा मसाला कहाँ है? बोले मसालों तक नहीं पहुँच पाए हैं। पुनः उन्हें 1492 ईस्वी में फिर भेजा गया कि नहीं हमको मसाला चाहिए, मसाला लेकर आइए। और फिर 13-14 जहाजों का बेड़ा लेकर कोलंबस वापस चला और इस बार वह वेनेजुएला पहुंचा जहां ओरिनिको नदी के मुहाने पर पहुंचा। और ओरिनिको नदी के मुहाने को देखकर उसने ड्रैगन ऑफ माउथ कहा। इतना बड़ा नदी का मुहाना देखकर ड्रैगन ऑफ माउथ पर पहुंचा और इसी के सहारे देखता हुआ पूरा मध्य यूरोप से होते हुए न्यूफाउंडलैंड द्वीप तक पहुंच गया। और यहां से उसकी पूरी टीम उतरकर स्थल भाग में प्रवेश करी। स्थल भाग में प्रवेश करने के बाद ये पता चला कि ये इंडिया तो नहीं है, यह कोई और एक महादेश है, ये थोड़ा छोटा मोटा लैंड नहीं है, एक बड़ा भूभाग की खोज हमने की ली। और उसका जो वाइस कैप्टन था अमेरिको वेस्पुकी, उसी के नाम पर इस जो स्थलखंड की खोज हुई उसका नाम रख दिया गया अमेरिका। और ये जो नए स्थलखंड खोजे गए 15वीं शताब्दी में, इन नए स्थलखंडों को हम नई दुनिया कहते हैं। बाद में अंटार्कटिका की खोज हुई, आगे चलकर जेम्स कुक ने ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड द्वीपों की खोज की। इस तरीके से जो 15वीं शताब्दी के बाद के जो द्वीप महाद्वीप खोजे गए उनको हम नई दुनिया कहते हैं। और जो हमारे पुराने महाद्वीप थे जिनको हम एशिया, यूरोप और अफ्रीका तीन महाद्वीपों का ही ज्ञान था उसको हम पुरानी दुनिया कहते हैं। तो 15वीं शताब्दी में 1492 ईस्वी में जब कोलंबस ने अमेरिका की खोज की तब यूरोपीय जगत में थोड़ा सा और उत्साह बढ़ा। इस प्रतिक्रिया में कोलंबस ने जब अमेरिका की खोज की तो पुर्तगाल ने पुनः वास्को डिगामा के नेतृत्व में एक जहाजी बेड़ा भेजा। अब चूंकि जहाजी बेड़ा यूरोप को यहां तक का ज्ञान हो चुका था, क्यों? क्योंकि यहां बार्थोलोम्यू डायज यहां से वापस लौट जा चुका था, तो यहां तक का समुद्री मार्ग का ज्ञान हो चुका था, इसलिए वास्को डिगामा इसी रास्ते का अनुसरण करते हुए केप ऑफ गुड होप पहुंच चुका था।
1498 ईस्वी में वह चला और केप ऑफ गुड होप तक पहुंचकर इसके आगे बढ़ा और यहां आप मैप देखेंगे तो यहां है पोर्ट ईस्ट लंदन, ईस्ट लंदन पोर्ट है। यही पोर्ट पर उसका जो जहाज था यहां विश्राम करने लगे और पहली बार उसके जहाज में रहने वाले जो उसके साथ लोग थे उनके मुत माउथ में जो है स्कर्वी रोग आया, पस आने लगे। दुनिया में पहली बार स्कर्वी रोग यहीं आया। इसी बंदरगाह पर उसकी मुलाकात एक गुजराती व्यापारी से हुई जिसका नाम था अब्दुल मनीक। अब्दुल मनीक एक गुजराती व्यापारी था और अब्दुल मनीक को पता था, क्योंकि भारत से वह व्यापार करता था इसलिए गुजराती था, उसको भारत से व्यापार करता था अफ्रीकी देशों में, और उसके माध्यम से उसके मार्गदर्शन में जब उसको पता चला कि यह गुजरात का है, भारत का ही रहने वाला है, तो उसके मार्गदर्शन में पूरी वास्को डिगामा की जो बेड़ा था इसके माध्यम से अरब सागर से होते हुए वो कहाँ पहुँचा, कालीकट पहुँचा। 17 मई 1498 ईस्वी को वास्को डिगामा का जो बेड़ा था वह कालीकट पहुंचा और कालीकट का तत्कालीन शासक था जिसकी पैतृक उपाधि थी जमोरिन। क्या उपाधि थी? जमोरिन थी। जमोरिन ने बड़ा स्वागत किया यूरोपीय व्यापारियों का और उसकी यात्रा के बदले में जो उसने पूरी यात्रा में उसका खर्च था इतना मसाला दे दिया। वह मसाला जब जाकर वो यूरोप में बेचा तो उसका जो यात्रा में पूरा खर्च आया था वह खर्च से 60 गुना अधिक कमाई हुई। कितनी गुना? 60 गुना अधिक कमाई हुई जब वास्को डिगामा वापस लौटा मसालों को लेकर, और उस मसालों को जब यूरोप में बेचा तो जितने उसकी यात्रा की लागत की खर्च आई थी उससे 60 गुना अधिक कमाई हुई। और इस कमाई ने के लालच ने ही यूरोपीय कंपनियों को भारत की ओर आकर्षित करना शुरू किया। धीरे धीरे वो यूरोपीय पुर्तगाल के इस व्यापारिक लाभ को यूरोप की के अन्य देशों ने महसूस किया और फिर धीरे धीरे यूरोप की बारीक बाकी देशों की कंपनियां भी भारत आना शुरू हो गई। तो इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो के माध्यम से हम यूरोपीय कंपनियों के आगमन की जो पूर्व की स्थिति थी उसकी चर्चा किए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि पुर्तगालियों का आगमन जब हुआ तब पुर्तगाली कहाँ कहाँ आए, किन किन स्थानों पर अपने व्यापारी कोठियाँ बनाई, कहाँ पर उसने अपनी राजधानी बनाई और क्या क्या कैसे कैसे व्यापार उन्होंने किया, कैसे वे वापस चले गए, क्यों यहाँ टिक नहीं पाए। तो बाकी हमारा अगला जो वीडियो होगा वह यूरोपीय हमारे चैप्टर से होगा। यह चैप्टर के पूर्व की जो जानकारी होनी चाहिए वो थी हमें। तो अगला टॉपिक आपका होगा यूरोपीय कंपनियों का आगमन। थैंक यू।